स्टार प्लस के सीरियल ये रिश्ता क्या कहलाता है कि आने वाले एपिसोड में एक बार फिर से रोहित अरमान से बदतमीजी करता नजर आएगा। रोहित को संजय भड़काने की कोशिश करेगा। सभी जानते हैं कि फूफा सा क्या प्लान कर रहे हैं। अरमान तो वैसे ही अलग है और रोहित को भी वो पडार फर्म से अलग करना चाहते हैं ताकि उनका ही राज चले वहाँ पर, और इसी के चलते वो रोहित को गलत सलाह देते और बोलते हैं कि वो ऑफिस ना जाए। और अरमान ये सुनकर काफी ज्यादा गुस्से में आ जाता है और दोनों की कॉन्वर्सेशन में बीच में आकर वो रोहित को समझाता है कि कैसे क्लाइंट्स का बैक टू बैक उसे कॉल आ रहा है, कोई भी उनकी फर्म से खुश नहीं है और रोहित को चुपचाप ऑफिस जाना चाहिए और क्लाइंट्स को हैंडल करना चाहिए। अरमान ये सब कुछ अच्छे के लिए बोल रहा होता है लेकिन रोहित इसे भी बिल्कुल उल्टी तरह से लेता है और अरमान को बोलने लग जाता है कि उसे हर चीज अरमान की छोड़ी हुई उतरी हुई क्यों मिलती है। अरमान के साथ वो यहाँ पर बदतमीजी करता है और अरमान दादी से और पूरे परिवार के सामने रोहित को समझाने की कोशिश करता है कि उसे ऑफिस जाना चाहिए और फूफा सा कितने बड़े फ्रॉड है और उनकी बातों में नहीं आना चाहिए, लेकिन रोहित नहीं सुनता। ना सिर्फ अरमान की बल्कि जब रूही वहाँ पर आती है तो वो रूही को भी लपेटे में ले लेता है और उसे भी बहुत सारी हर्टफुल बातें बोलता है। अभीरा ये सब कुछ बाहर से खड़े होकर सुन रही होती है और अरमान और अभीरा एक दूसरे को बस यूं ही देखते हैं कि ये हो क्या रहा है इस घर में। इतने में एंट्री हो जाती है मनीष गोयनका की और वो रोहित की बातें सुन लेते हैं जो वो रूही के लिए कहता है और उन्हें आता है गुस्सा और वो रोहित को एक थप्पड़ लगा देते हैं। मनीष गोयनका रोहित को सुनाते हैं कि कैसे वो रूही को छोड़कर चला गया था और उन्हें बिल्कुल अच्छा नहीं लगता कि उनकी बेटी के साथ इस तरह का बिहेवियर किया जा रहा है इस घर में। दादी सा हालांकि आती है रोहित के बचाव में लेकिन मनीष गोयनका किसी की नहीं सुनते और इसी के बाद वो डिसाइड करते हैं कि वो रूही का रोहित से डाइवोर्स करवाएंगे।